मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में अपन ने डेसिमल्स के बारे में सीखा था। डेसिमल्स में अपन ने सीखा था डेसिमल्स की डेफिनेशंस के बारे में और होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट के बारे में देखते सीखे थे। लेकिन अब अपना जो इसके अलावा अपन ने डेसिमल्स के एडिशन के बारे में सीखा। अब अपना जो नया टॉपिक है वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखते हैं, आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम का मीन्स होता है मई से, यानी कि बाद वाली संख्या में से पहले वाली। और वैसे भी अपन जानते हैं कि यदि सब्रेक करते हैं अपन, तो सब्रेक में ऊपर जो संख्या होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लार्ज, नीचे स्मॉल। वैसे भी देखो आप 24.76 में से माइनस नहीं करते, नहीं कर सकते 71.35 को। और फ्रॉम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बाद वाली संख्या में से पहले वाली संख्या, क्योंकि एडिशन में तो क्या होता है, एडिशन में तो अपन किसी भी संख्या को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सब्रेक्ट होता है उसमें बड़ी संख्या ही ऊपर आनी चाहिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन है कि 24.76 फ्रॉम 71.35। तो फ्रॉम वर्ड के बाद वाली संख्या को पहले लिखेंगे अपन, तो 71.35, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये होल नंबर पार्ट है 24, तो होल नंबर पार्ट में ये डेसिमल पार्ट है, तो 7 और 6। अब क्या करना है अपने को, इसका सब्रेक्ट, तो माइनस का सिंबल। अब देखते हैं अपन कि 5 में 6 माइनस होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 6, 5 छोटा है किससे, 6 से। तो 1 अपन क्या लेंगे, बोरो यहाँ लेओगे तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो गया बेटा 15। अब 15 में 6 माइनस करो 9, कितने हो गए 9। यहाँ कितना है 2, 2 में 7 माइनस होता है या नहीं होता है, क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 7, 2 छोटा है किससे 7 से। तो 1 इससे बोरो लेंगे तो यहाँ तो 12, यहाँ क्या हो गया अपना 0। अब 12 में 7 माइनस करो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब बताओ 0 में से 4 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। तो 1 इससे बोरो लेंगे तो यहाँ तो कितना हो गया 10, यहाँ कितना बच गया 6। अब 10 में से 4 माइनस करो 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 46.59। अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.678 फ्रॉम 1.009। तो फ्रॉम वर्ड आ गया, सबसे पहले ये ध्यान देना, सब ब्रेक में फ्रॉम वर्ड आता है तो बाद वाली संख्या में से पहले वाली, और यदि माइनस का सिंबल आता है तो पहले वाली में से बाद वाली। तो देखते हैं अपन 1.009, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.678 माइनस करते हैं इसमें से। अब बताओ 9 में से 8 माइनस होगा तो क्या बच गया 1। देखो 0 में 7 माइनस होता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 0 इज लेस देन 7। तो इससे नेक्स्ट वाले डिजिट से अपन 1 बोरो लेंगे, इसके पास भी नहीं है तो यहां से लेंगे। तो यहां से लेंगे तो यहां पे क्या हो गया 0। अब ये 1 इसको देगा तो यहां कितना हो गया बेटा 10। अब 10 में से 1 ये इसको देगा तो यहां तो 10 हो गया और यहां कितना बच गया 9। अब 10 में 7 माइनस करो 3, 9 में 6 माइनस करो 3, पॉइंट का पॉइंट, 0 में 0 माइनस करोगे 0। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 0.331 आंसर। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5307। अब यहाँ 2 क्या है, होल नंबर पार्ट, ये क्या है डेसिमल, फ्रॉम 8। तो यहाँ ध्यान देने की बात अपने को कि 8 जो है वो क्या है, होल नंबर पार्ट। तो 8 में से माइनस करना है 2.5307 को, और फ्रॉम बाद वाली में से। तो यहाँ होल नंबर पार्ट मैंने बताया था, इधर होल नंबर पार्ट, इधर डेसिमल पार्ट, और यहाँ बीच में डेसिमल। तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल से लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 5, 3,
07। अब इसको लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए क्या लगा सकते हो आप, 0 1 2 3 4। क्या करना है इसको, माइनस करना है। क्या करना है इसको, माइनस। अब 0 में से 7 माइनस नहीं होता है, अब 0 के पास कुछ है नहीं, पास में भी 0 है, तो ये क्या करेगा, इस 8 से 1 बोरो लेगा तो यहाँ तो कितना हो गया 7, और ये जैसे ही इसको देगा तो यहाँ कितना हो गया 10, 10 1 इसको देगा तो यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ और यहाँ कितना बच गया 9, ये 1 इसको देगा तो यहाँ तो कितना हो गया 10, यहाँ कितना बच गया 9, ये 1 इसको देगा तो यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ कितना बच गया बेटा 9। अब यहाँ भी 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 7 माइनस करो 3, 9 में 0 माइनस करोगे 9, और 9 में 3 माइनस करोगे 6, 9 में 5 माइनस करोगे 4, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5, आपको जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5.469 आंसर।